हेलो, सो वेलकम टू माई YouTube चैनल एंड आई एम हिना कौसराड एंड आई नो बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, कब आ रहे हो YouTube पे, कब शेयर कर रहे हो रेसिपी। YouTube पे आ गए फाइनली, रेसिपी शेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी हो हमारी फर्स्ट रेसिपी के लिए? यस, आपका फेवरेट केक ही बनाएंगे, बेकर है तो फिर केक से ही शुरुआत करेंगे, देन स्लो जाएंगे आगे। सो आज 26 जनवरी है, तो आई थॉट लेट्स डेडिकेट, बिकॉज बनता है ना, बींग अ इंडियन पहली प्रायोरिटी हमारा इंडिया है। सो बेसिकली हम आज रिपब्लिक डे को डेडिकेट करते हुए केक बना रहे हैं। केक आपका फेवरेट रहेगा, ऑल टाइम फेवरेट चॉकलेट टच ट्रिपल केक। मेरा वाला गनाच बहुत पसंद है ना आप लोगों को, केक का सॉफ्टनेस, गनाच की स्टिफनेस, ये वो सारा आने वाला है। एंड तक देखना है आपको, वो सारा देखने के लिए कि किस तरह से हमारा गनाच बनता है, हमारा स्पॉन्ज बनता है, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए स्टे ट्यून, लास्ट तक के बने रहना है साथ में, ठीक है ना। तो हम बहुत सारा कुछ इसमें न्यू और अच्छा अच्छा करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये हमने ले लिया है हमारा अमूल क्रीम, ठीक है। बेसिकली आपके पास अमूल क्रीम ना भी हो तो आप कोई भी डेयरी क्रीम ले सकते हैं, ठीक है। 250 ग्राम लिया है हमने, एंड ये लिया है हमने 500 ग्राम चॉकलेट, चॉप करके रख लिया हमने। हम सबसे पहले हमारे क्रीम को हम गरम कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारा क्रीम गरम हो जाएगा जैसे ही, हम उसको ऐड कर देंगे हमारे चॉप चॉकलेट के अंदर। अब हमारा क्रीम देखो अच्छे से दिख रहा है, कितना अच्छे से हीट हो रहा है। इसको हम स्टर करते रहेंगे जितनी देर के हीट करेंगे। नाउ विल ऐड अवर क्रीम इन टू अवर गनाच। यस, नाउ गनाच पे डाल के क्रीम को वन मिनट बहुत हो जाएगा एक्चुअली। सो 1 मिनट के लिए हम उसको रख देंगे ताकि हमारा चॉकलेट ज़रा सा सॉफ्ट हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टरिंग इट। अब हम इसको अच्छे से स्टर कर रहे हैं, जस्ट लुक एट द आउटकम, कितना अच्छा लग रहा है ना गनाच का लुक। एंड यस, तड़ा, गनाच शाइनी और रेडी हो चुका है, अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम इसको सेट करने साइड पे रख देंगे, तब तक हम हमारा स्पॉन्ज बेक करेंगे, तब तक हमारा गनाच भी सेट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्पॉन्ज बेकिंग। चलिए ये हमने ले लिया है बटर जो कि 40 ग्राम्स है, एंड ये हमने लिया है हमारा कंडेंस मिल्क, एंड ये दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। एंड इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे, दोनों बीट होके अच्छे से कंबाइन हो गया। नाउ टाइम फॉर एडिंग अवर ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो हमने 130 ग्राम्स मैदा ले लिया है, एंड हमने साथ में 10 ग्राम्स ऑफ कोको पाउडर, 2 ग्राम्स ऑफ बेकिंग सोडा, 3 ग्राम्स ऑफ बेकिंग पाउडर, एंड ये सारे को हमने 2 पार्ट में ऐड किया है सीव करते हुए, ठीक है। अब हम इसके अंदर 60 ml मिल्क ले लेंगे, एंड हम 2 पार्ट में हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट और मिल्क को थोड़ा थोड़ा करके कट फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। मेक श्योर यू डू कट फोल्ड मेथड बिकॉज दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब हम इसको कट फोल्ड मेथड करके मिक्स कर लेंगे, एंड लुक एट द आउटकम, तड़ा, यस, उसमें पूरा 60 ml मिल्क डालना है, ठीक है। एंड हमारा आउटकम रेडी है। नाउ दिस इज अवर टिन। अब ये टिन को मैंने पहले से अच्छे से ग्रीस कर लिया है बटर से, एंड मैदे से डस्टिंग कर लिया है। ग्रीसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नाउ विल ऐड अवर बैटर इनटू अवर पैन। चलिए सो अब हमारे बैटर को ऐड कर चुके हैं पैन में, एंड यस, इट्स रेडी टू बेक। अब हम इसको ओवन में बेक करने रखेंगे, एंड इसका टेम्परेचर रहेगा 180 डिग्री, टाइमिंग रहेगा 30 मिनट्स, आपको 20-25 मिनट में एक चेक लेना है, एंड लोअर मोड पे बेक करेंगे, ठीक है। चलिए सो अब बेक होने के बाद हमारा स्पॉन्ज रेडी है। कैन यू सी कितना अच्छे से बन चुका है। यस, दिस इज अवर एगलेस स्पॉन्ज, एंड कितनी अच्छी हाइट है। चलिए इसके क्विक क्विक लेयर्स करते हैं। सो हमने इसका एक टॉप लेयर हटा लिया है ताकि अच्छे से मॉइस्ट हो सके हमारा केक। यस, यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग ना मॉइस्ट क्या, डोंट वरी, आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए तो बोला था लास्ट तक देखना है। सो नाउ वी आर कटिंग इन टू लेयर्स, 3 लेयर में हम कट कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मॉइस्ट करेंगे। यस, हमने ये बॉटल में वाटर ले लिया है, आपको वाटर से अच्छे से मॉइस्ट कर लेना है। एंड नाउ वी आर अप्लाइंग अवर गनाच। गनाच भी काफ़ी थिक हो चुका है बिकॉज उसको अच्छा सा टाइम मिल चुका ना सेट होने के लिए। नाउ वी आर अप्लाइंग अवर गनाच, एंड इसी तरीके से हम तीनों लेयर को फिल कर लेंगे। एंड हम इसको कोटिंग कर लेंगे। तड़ा, रेडी। नाउ विल डू द कोमिंग पार्ट। तो अब हम हमारा कोम ले चुके हैं, उससे हम हमारे केक को कोमिंग करेंगे। कैन यू सी द इफेक्ट? यस। सो अब नाउ डू द मेन पार्ट। तो रिपब्लिक डे को डेडिकेट करते हुए हम हमारे डिजाइन क्रिएट करने वाले, एज आई सेड यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने हमारे गनाच में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम हल्का सा माइक्रोवेव करेंगे, बेसिकली हीट कर लेंगे। तो हमारा सॉस रेडी हो चुका है, तो अब हम पहले हमारा सॉस पॉर करेंगे केक पर, ठीक है। हम नेट पे इसलिए रख रहे हैं ताकि सॉस इजीली एक्सेस नीचे चला जाए, हमारा बेस गंदा ना हो।
ठीक है। सो अब हम हमारा सॉस ऐड करें। नाउ विल स्प्रेड इट हल्के सी, बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना, थोड़ा सॉस टॉप पे बाकी रखना है। नाउ हम हमारे तीनों कलर ले लेंगे पैलेट नाइफ पे। तो हमने सैफ्रॉन कलर ले लिया, हमने वाइट कलर ले लिया एंड हमारा ग्रीन कलर, एंड हल्के हाथ से स्वाइप करेंगे। एंड लुक एट दिस, इट्स लुकिंग वाओ। हमने टाइगर वाला इफेक्ट भी क्रिएट किया एंड हमने हमारा थीम पर भी काम किया। सो बेसिकली हमने रिपब्लिक डे को डेडिकेट करते हुए हमारा थीम क्रिएट किया एंड येस इट्स लुक सो प्रिटी लाइक इंडियन फ्लैग। नो कलर सारे वैसे ही लग रहे हैं, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है एंड येस यू कैन रिक्रिएट अदर कलर्स एज वेल एज, जैसे हमने ऑरेंज ग्रीन ऐड किया, यू कैन क्रिएट योर ओन कलर्स, बट आई वुड सजेस्ट रिपब्लिक डे चलो इंडिया को डेडिकेट करते हैं। तो चलिए अब केक कटिंग करेंगे, खाना तो बनता है ना यार, इतना यम्मी केक है हमारा, चलिए चलिए कट करते हैं। सो हमारा केक का पेस्ट्री दिख रहा है, इट्स सो सॉफ्ट एंड सो मॉइस्ट, आई एम तो सुपर रेडी टू डिग इन, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए चलिए ट्राई करते कैसा है। हाय दिस इज सो सॉफ्ट, देखो तो जरा फील नहीं आ रहा है केक में से आ रहा है, खाने में नहीं आ रहा। आई टेल यू फील कैसे आएगा, ये हमारा देसी स्टाइल, टेक अ बिग बाइट। हम्म,